में शेयर विद यू मीशो शॉपिंग हॉल, जिसमें कुछ ड्रेसेस हैं, मतलब कुछ क्लॉथिंग्स हैं एंड कुछ होम असेंशियल्स हैं, या मुझे चाहिए थे, या मेरे रूम डेकोर के लिए, या मुझे रूम के लिए चाहिए थी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि मैं आपके संग मेरा मेकअप कलेक्शन शेयर करूंगी, तो यस गाइस, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। एंड इस टाइम पर मुझे नेल एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो मैंने मीशो से भी ट्राई किए हैं। सभी प्रोडक्ट्स की कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिंक्स नहीं होती है, कोड्स होते हैं, तो आप उन कोड्स के थ्रू जा सकते हैं, या बाय नेम भी आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। इन पे आपको फ्री मास्क, फ्री गिफ्ट्स भी मिलते हैं, एंड इस टाइम पे क्रिसमस सेल भी चल रही है, अगर आप कुछ भी बाय करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप मेरे कूपन कोड से जाते हैं यू गेट 80 to 100% तक का ऑफ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर ऑफ पर अगर आप फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स हैं एंड कुछ होल्डर्स हैं, लाइक लिपस्टिक होल्डर हैं एंड कुछ नेल एक्सटेंशन है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट आपके संग शेयर कर रही हूँ क्लॉथिंग। तो ये मैंने एक टॉप लिया था जो कि ऑफ शोल्डर ब्लैक कलर का लेडी टॉप है, एक्सल साइज मैंने इसमें ऑर्डर किया था। बिकॉज गाइज इस टाइम पे मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है, तो मुझे एक्सल आना स्टार्ट हो चुका है, और मुझे इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी फ्रेश पीस नहीं लग रहा था। कुछ इस तरीके का ब्लैक ऑफ नेक टॉप है, कुछ इस तरीके का नेक है, काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं है, ये नेक डीप नहीं है, बट ये ऑफ शोल्डर है तो थोड़ा सा कंधों पे आता है, एंड इसका स्लीव्स है, फुल स्लीव्स कुछ इस तरीके का है। आपको ब्लैक बहुत ज़्यादा ब्लैक दिख रहा होगा, बट ये बिल्कुल ऑफ ब्लैक, बहुत ज़्यादा कपड़ा इसका पतला है, एंड इसके साथ आपको काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टी, एंड बहुत अच्छे से आपको इन करना होंगी चीज़ें, तभी ये बहुत अच्छा लगेगा। सो इट्स अ क्रॉप टॉप, आप देख सकते हो, ये एक शॉर्ट क्रॉप टॉप है जो कि मैंने अपनी रीसेंट की एक वीडियो में भी वेयर किया है। सो मुझे कपड़े की क्वालिटी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई पहनने पर, सो यस गाइज, बट ये साड़ी वगैरह के संग वेयर कर सकते हैं, तो इस टॉप को मैं रिटर्न नहीं करने वाली हूँ। तो यस गाइज, जो भी इसका प्राइस होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। आई थॉट ये 155 rupees का मैंने लिया है ऑन माय फर्स्ट ऑर्डर। यस गाइज, मैंने न्यू नंबर से अपना मीशो ऑर्डर के इंस्टॉल करने के बाद मैंने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है। बेसिकली इसका प्राइस 250 या 230 तक का है, एंड फर्स्ट ऑर्डर था मेरा ये, इसलिए मुझे 155 rupees का मिला है। सेकेंड अदर ड्रेस है जो कि मैंने बेसिकली क्रिसमस के लिए ली थी। यस गाइस, ये कुछ इस तरीके की प्योर रेड ड्रेस है। मैंने जब इसको देखा था तो आई थॉट कि ये मुझे वेलवेट में मिलेगी, एंड इसका जो रेड कलर होगा वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, बट नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऑफ वाइट ऑफ रेड है, एंड बहुत बहुत ज़्यादा डल है, मतलब मुझे एकदम टमाटो से भी ज़्यादा डार्क वाला रेड चाहिए था। एंड सबसे ज़्यादा मुझे इस ड्रेस की बात ये बेकार लगी है कि इसका कपड़ा इतना ज़्यादा पतला है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ इस तरीके की रेड ड्रेस है, स्ट्रैप्स है इसमें यहाँ पर, एंड इस तरीके की पफी स्लीव्स है, स्लीव्स भी नहीं बोल सकते, इट्स कवरिंग थोड़ा सा साइड पर से, एंड इस तरीके का है, एंड यहाँ पे पाइपिंग जैसा काम है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके अस्तर की, तो इसमें कोई अस्तर नहीं है, बट जो भी आपको फैब्रिक आगे मिल रहा है वही आपको पीछे भी मिल रहा है, एंड इस वाले पार्ट पर आपको कोई भी अस्तर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल पतला सा कपड़ा है। सो आई थिंक अगर क्रिसमस के हिसाब से ये ड्रेस है तो इसमें एटलीस्ट थोड़ा सा हाफ तक पर जो है अस्तर होना चाहिए था। एंड इसमें जो मैंने साइज़ पिक किया था वो डबल एक्सल है, ये शीतल एसेसरीज ब्रांड का है, SA ब्रांड का है। यस गाइस, तो मुझे ये वाला ड्रेस पसंद नहीं आया। पीछे की साइड यहाँ पर आपको जिप दे रखी है, कुछ इस तरीके की जिप है इसकी, एंड काफ़ी लॉन्ग जिप भी है ये। तो यस गाइज, ये पीछे से ओपन है, एंड ये टोटली डिफरेंट है जो इमेज मैंने दी थी। मैं यहाँ पे ट्राई करूँगी कि आपको दे दूँ, तो मैं इसके संग एक लुक क्रिएट करने का सोच रही थी, बट मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। एंड मैं एक छोटा सा रिव्यू आपके संग शेयर करना चाह रही थी कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं, इस वजह से मैं आपके संग इसको शेयर कर रही हूँ। सो इसका जो प्राइस है वो 400 rupees है। नेक्स्ट मैंने लिए थे 100 pair ऑफ नेल एक्सटेंशंस। यस गाइज, इस टाइम पर मुझे ज़रूरत भी है इनकी, तो कुछ इस तरीके की। ओके, सो ये रहे नेल एक्सटेंशन, ये कुछ इस तरीके से बबल रैप होकर के आए थे, काफ़ी अच्छे से बबल रैप होकर के आए थे, एंड ये है 100 nails
जो कि सारी फिंगर्स के लिए कंफर्टेबल है एंड सारे साइजेस आपको मिल जाते हैं। सारी जो भी आपको फिंगर नेल्स मिल रहा है वो 10 पेयर्स का मिल रहा है एंड स्मॉल नेल्स है, बड़े नेल्स है, तो बहुत तरीके के नेल्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मुझे 2 ग्लू रिसीव हुए हैं, एक वाला जो कि बिल्कुल वर्थ है, कोई इसका यूज़ ही नहीं है, बिल्कुल ड्राई होता है, एंड इसके साथ मुझे एक और नेल ग्लू मिला है। आप चाहें तो सिंगल वाला भी ले सकते हैं, आप सिर्फ नेल आठ नेल्स एक्सटेंशन भी ले सकते हैं एंड आप इसके साथ ये ग्लू वाला भी ले सकते हैं। इसके साथ दूसरे ग्लू वाले कॉम्बोज भी आते हैं। तो ये ऑर्ड्रा का नेल ग्लू है जो कि 3 ग्राम प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। इसमें नेट क्वांटिटी 0.10 ग्राम की आपको मिल रही है एंड आई डोंट नो कि ये वर्क करेगा या नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट जो लिया था वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। एंड ये प्योर आपको व्हाइट कलर के मिलते हैं, इसमें कोई प्रिंट नहीं है, तो अगर आप सिंपली भी इसको लगाना चाह रहे हो तो भी लगा सकते हो एंड विद आप इसको नेल कलर भी करना चाह रहे हो, नेल पेंट या यूज़ करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। इस टाइम पे मैंने काफ़ी सारे नेल आर्ट ट्राई किए एंड मुझे सबसे ज़्यादा जो मैंने लास्ट बाय किए हैं वो अच्छे लगे। अगर आपने वो अफोर्डेबल शॉपिंग हॉल इंदौर वाला नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हैं, उसमें 2 नेल आर्ट मैंने लिए हैं जो कि वो बहुत ज़्यादा पसंद आए। नेक्स्ट जो है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है, ये है एक लिपस्टिक होल्डर, एक वैनिटी बॉक्स, कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। बॉक्स में आया है तो टूटने का डर नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा डाउट यही था कि ये टूटा हुआ मुझे रिसीव ना हो जाए। एंड ये है 16 कंपार्टमेंट मल्टी ऑर्गेनिक मेकअप ऑर्गेनाइजर, यस गाइस इट्स अ मेकअप ऑर्गेनाइजर, कुछ इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है एंड मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। मुझे ये बहुत टाइम से चाहिए था एंड इसी के साथ पेयर अप करने के लिए मैंने एक ट्रांसपेरेंट ट्रे और ली है जो कि मैंने डीमार्ट से ली थी, वो मुझे 99 रुपीज की पड़ी है एंड इसे मैंने मीशो से लिया है। आई डोंट नो प्राइस नहीं दे रखा है इसका, बट जो भी प्राइजेस होंगे वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का है जिसमें आपको 12 अपार्टमेंट्स, ये वाले जो अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो आपको लिपस्टिक के लिए मिल जाते हैं एंड पीछे की साइड पे आपको 2 स्मॉल अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, लाइक पूरा सिंगल कॉलम है एंड यहाँ पे आपको 2 अपार्टमेंट्स और मिल रहे हैं पीछे की साइड जहाँ पे आप लॉन्ग लिपस्टिक्स रख सकते हो, जो लंबी वाली लिपस्टिक्स होती है, एंड ये वाला एक सेक्शन अलग खाली है जहाँ पे आप अपना कॉम्पैक्ट रख सकते हो, आप अपना फाउंडेशन रख सकते हो। तो यस गाइस फाउंडेशन आप अपना यहाँ पर भी रख सकते हो। तो ये है एंड मुझे सबसे थोड़ा सा एक चीज़ पसंद नहीं आई इसकी कि इसके जो अपार्टमेंट्स आप देख सकते हो छोटा और छोटा, सो ये मुझे चीज़ एक पसंद नहीं आई कि इसमें जो अपार्टमेंट्स हैं या ब्लॉक्स हैं वो छोटे एक ही साइज़ के दे रखे हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे हैं। अगर मुझे लॉन्ग लिपस्टिक रखनी है तो वो मैं इनमें होल्ड करके नहीं रख सकती हूँ। ये जो चीज़ इन्होंने यहाँ पे खाली दी है इसे वो फिल करके इसे कंप्लीट कर सकते थे। इनफैक्ट जो इसका पीछे वाला ये वाला जो ब्लॉक है इसमें उन्होंने कोई लाइनिंग नहीं दे रखी है और ये बहुत ज़्यादा छोटा भी है, आप देख सकते हो ये 1 इंच का ही है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी, मुझे पसंद नहीं आई, बट जो भी मैंने देखे थे उनमें यही था और मुझे ये वाला अपार्टमेंट भी चाहिए था, इस वजह से मैंने ये वाला पिक किया। अदरवाइज सिंगल लिपस्टिक का भी जो मैं देख रही थी उनमें भी बिल्कुल बेस प्लेन था एंड 16 अपार्टमेंट्स का था वो सेम सिर्फ लिपस्टिक का था। इसमें अभी फ़िलहाल के लिए मैं मस्कारा रख सकती हूँ, काजल रख सकती हूँ। सो यस गाइज क्या क्या रखने वाली हूँ, इसको कैसे स्टोर करने वाली हूँ अपनी वैनिटी पे, वो मैं बहुत ही जल्दी आपके संग शेयर करूँगी अपने मेकअप कलेक्शन में। तो यस गाइज मैं इसको जल्दी से ही अपनी वैनिटी पे ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। इसका प्राइस जो भी होगा अप्रॉक्स आई थिंक मुझे ये 389 या 386 रुपीज़ तक का पड़ा है और मुझे ये डील बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप इसको फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो एंड ये आपको काफ़ी वेबसाइट पे मिल जाएगा, बट ऑन प्राइस कंपैरिजन की मैं बात करूँ तो ये मीशो पे काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में अवेलेबल है। एंड इसी का ट्रांसपेरेंट ट्रे भी मैंने लिया है तो मेरी वैनिटी पे काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था ये। तो यस गाइज यही था आज का हॉल वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल रही है, प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ब्लेस्ड।